कहते हैं तुंगभद्रा नाम की नदी के पावन तट पर पत्तन नाम का नगर था। उस नगर में सभी वर्णाश्रम धर्म के लोग रहते थे। उसमें एक पंडित जी भी रहते थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। समस्त वेद शास्त्र पुराणों के ज्ञाता थे, विवाहित थे। उनके पास एक परम सुंदरी पत्नी थी जिसका नाम था धुंधुली। धुंधुली स्वरूप से सुंदर थी, घर के कार्य में दक्ष थी, सौभाग्य स्थापिका थी, लेकिन अपनी बात मनवाती थी, बहुत ही झगड़ालू थी, सूरा थी, कार्य करने में कुशल थी। पंडित जी के पास सब कुछ था। दुर्भाग्य था कि पंडित जी के जीवन में न पुत्र था न पुत्री। एक आधे से अधिक धन का दान कर दिया, फिर भी जब संतान नहीं हुई तो मृत्यु का संकल्प लेकर जंगल की यात्रा की। चले गए जंगल में, एक सरोवर मिला, वहां जलपान किए। जलपान करके एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उतने ही समय में एक महात्मा का आगमन हुआ। महात्मा सन्यासी थे। महात्मा बड़े प्रसन्न हुए कि जंगल में हम अकेले थे, दो हो गए। महात्मा को देख करके आत्मदेव होने लगे। उन्होंने पूछा, क्यों रो रहे हो? कथम रोज से प्रथम काते चिंता बलि इसी क्या कारण है? उन्होंने कहा, महाराज किम रबीमी विषय दुःखम, मैं क्या बोलूं महाराज, मेरे जीवन में बड़ा कष्ट है। दिक् जीवितम प्रजा हीनम, मेरे जीवन में कोई संतान नहीं। मैं जो जल देता हूं पितर उसे स्वीकार नहीं कर पाते। जो फल दूसरे के घर से आता है वह सड़ जाता है। वृक्ष लगाता फलता फूलता नहीं। गाय पालता हूं बच्चे नहीं देते। संतान मेरे पास नहीं है महाराज। महात्मा ने कहा, देखो मैं तुम्हारे ललाट की रेखा देख लिया, सात जन्म तक संतान की कोई संभावना नहीं। महात्मा कहे, देखो मैं कहता हूं ये संतान के चक्कर में मत पड़ो, ये ज्ञान है। 60,000 राजा सगर को पुत्र हुए क्या हुआ? और चित्रकेतु के तो कितने विवाह हुए, फिर भी उसका कोई लाभ तो नहीं मिला। तो हम तो यही कहेंगे कि संतान के चक्कर में न पड़ो, विवेक से कार्य करो। विवेक से क्या होगा हमारा? पुत्र के बिना संन्यास भी सूखा मालूम पड़ता है। अब लगा उत्तर देने, हमें संतान चाहिए। महात्मा को दया, महात्मा ने फल उठाया और उस ब्राह्मण को दे दिया। कहा, ले जाओ अपनी पत्नी को खिलाना। अब कथाएं आती हैं कि महात्मा फल दिए और शरीर का त्याग कर दिया। और जो महात्मा ने फल दिया और शरीर का त्याग किया, महात्मा ही फल के रूप में प्रवेश कर गए। ये कथाएं कहीं कहीं आती थी। फल ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना महात्मा ने कहा था। एक वर्ष तक संयम पूर्वक रहेगी, उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। महात्मा की बात मानकर के फल लाया आत्मदेव, अपनी पत्नी को दिया। पत्नी लेकर के फल को रख दी और विचार करने लगी कि फल खाऊंगी तो गर्भ होगा, पेट भारी हो जाएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, भोजन कम करूंगी तो चल नहीं पाऊंगी, फिर मैं घर का कार्य कैसे करूंगी, गांव में आग लगेगी, सब लोग भाग जाएंगे, हम कैसे भागेंगे। इस प्रकार का मनोभाव लेकर के चिंतन करने लगी। हे भगवान, अगर मेरी मानो तो मेरी दृष्टि में सबसे सुखी तो वह है स्त्री है जो बंध्या है और विधवा। सबसे बड़ा दुख तो तब होगा जब मेरी ननद आएगी बधाई लेकर के और मैं स्वर्गृह में रहूंगी, तब तक बक्से का ताला तोड़ करके सब गहना की ठोल लेकर गायब हो। ऐसा चिंतन कर ही रही थी, फल को खाया नहीं। एक दिन धुंधुली की बहन आई। उसने पूछा, तो इतनी मोटी दुबली कैसे हो गई? कहा, कुछ ही दिनों में मरूं क्यों? कहा, तुम्हारे जीजा जी ने फल दिया है, मैं बच्चा पैदा नहीं करना चाहता। धुंधुली की बहन ने कहा, पैसे तुम्हारे पास है, बच्चा हमारे पास है, मैं तुम्हें अपना बच्चा दे दूंगी, तू पैसा मेरे पति को दे देना। धुंधुली ने कहा, तेरा पति तुम्हें मारेगा तो? उसने कहा, मेरा पति धनलोभी है, पैसा पाएगा कुछ नहीं बोलेगा, तू गांव में क्या कहेगी? मैं गांव में कह दूंगी, 3 महीने 6 महीने का घर मेरा गिर गया। ठीक है,
ऐसा विचार किया, पेट में कपड़े लगाकर रहने लगी। कुछ दिनों बाद भगवान की कृपा से उसकी बहन को पुत्र हुआ। धुंधली की बहन ने ले आकर धुंधली को पुत्र दे दिया। इस फल का क्या होगा? एक बात और, बोले फल असली है कि नकली, इसकी परीक्षा के लिए गाय को खिला दो। तो फल खिला दिया गाय। बहन की बहन बेटा लेकर आई, पंडित जी को सूचना दिया, पंडित जी पुत्र की प्राप्ति हुई है। पंडित जी महाराज ने खूब सुंदर ढंग से नांदी मुख इत्यादि श्राद्ध किए, ब्राह्मणों को दान प्रदान किए। तीन महीने बाद जिस गाय को फल फलाया था, संपूर्ण शरीर मनुष्य का, दोनों कान गाय के, एक पुत्र की प्राप्ति हुई। गांव गांव में बोले, धन्य हो भगवान, जब तुम्हारी कृपा होती है तो ऐसे ही कल्याण कर कर होते हो। आत्मदेव ने कहा, पंडितानी देखो, तुमको भी पुत्र हो गया, इसको भी पुत्र हो गया, दोनों का नाम रख दिया जाए। धुंधली ने कहा, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी। अज्ञान की तमोगुणी वृद्धि का जो वृद्धि करे उसी का नाम धुंधकारी। आत्मा रूपी आत्मदेव को महात्मा ने विवेक रूपी फल दिया, लेकिन उस फल को खा नहीं सकी। क्यों? क्योंकि बुद्धि है धुंधली, जैसे आईना है, दर्पण है, अगर उसमें तेल लग जाए तो चेहरा आपका नहीं दिखाएगा। तो जो मलिन बुद्धि है वह धुंधली है। धुंधकारी थी, नाम मात्रा प्रतिष्ठित महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं, नाम अक्षरम व्यक्षरम चतुरक्षरम कुरिया। नाम दो अक्षर और चार अक्षर का होना चाहिए, नाम नहीं होना चाहिए। बड़ी चर्चाएं हैं नाम को लेकर। भगवान मनु कहते हैं, नक्ष वृक्ष नदी नाम, किसी का नाम भालू हो, किसी का नाम कर्मनाशा हो, किसी का नाम नामिली हो, तो ऐसे करने से विवाह नहीं करना चाहिए। नामना ख्याति लभ्यते, ज्योतिष शास्त्र कहते हैं नाम की बड़ी महिमा है। उसने धुंधकारी नाम रख दिया। आत्मदेव ने उस बच्चे का नाम गोकर्ण रख दिया, क्योंकि गाय के बछड़े गाय के कान से दोनों बड़े हुए। कितकालीन तो जादो तरण उतनी आई हो, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी ज्ञानी हुए, धुंधकारी महादुष्ट हुआ। दुष्ट का लक्षण क्या है? का बिना नहाए धोए भोजन करना, कुत्ते पालना, कुत्ते लेकर दौड़ना, हाँ, और जो मिले वही खा ले, ये सब का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। आर विहार का बड़ा ध्यान रखना। माता पिता को मारता था, बच्चों को मिले तो उनको पकड़ के कुएं में डाल देता था, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था। एक दिन अपने पिता की पिटाई किया, तब वो रोने लगे। आत्मदेव जी धुंधकारी गोकर्ण के सामने आकर उन्होंने कहा, पिताजी संसार में सुख है ही नहीं। न चंद्रस्य सुखम किंचन न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजि। संसार में न सुख इंद्र को है, न चक्रवर्ती को है, सुख किसको है? कहा महात्मा को। मिल गया तो द्वादशी, नहीं मिला तो एकादशी। गोकर्ण जी पिताजी को बहुत सुंदर उपदेश कर रहे हैं। कहते हैं, देहे अस्ति मांस रुधिरे भिमत्यजत्वम् जाया सुतात् सुसदा ममता विमुच अस्यानि सम जगदिदं क्षणभंगं निष्ठं धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्व साद पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितरां देहस्ति मांस रुधिरे भिमतिं त्यजत्वम् शरीर की ममता, शरीर की अहमता, शरीर के संबंधों की ममता। गोस्वामी जी कहते हैं कि ममता तूने गए मेरे मन से, ममता तूने गए मेरे मन पाके के जन्म के साथी पाके
केस जन्म के साथ ज्योति गई ने से ममता तूने गई से ममता तूने गई तुलसीदास बलि जाऊं चरण मोह पराए जन के ममता तूने गई उपदेश दिया। आत्मदेव जी घर छोड़कर चले गए, धुंधली ज्यों के त्यों रह गई। एक दिन धुंधली को धुंधकारी ने पीटा, कहा जितना सामान है दे दो नहीं तो मार डाल। धुंधली धुंधकारी के डर से कुएं में कूद कर मर गई। धुंधकारी इतना बड़ा कुकर्मी हुआ कि पांच बाजारू स्त्रियों को ले आया। पंच पर्ण मधुसूदन पांच बाजारू स्त्रियों को ले आया और घर में रखा। उसकी बुद्धि नष्ट हो गई। उन पांचों स्त्रियों ने धुंधकारी को मार डाला। धुंधकारी को मार कर आंगन में गड्ढे खोद कर गाड़ दिया। एक एक करके फरार हो गई। धुंधकारी प्रेत बना। एक संत कहते थे राम भजत बिटिया भली हरि पद विमुखन पूत राम भजत सेवरी तरी धुंधकारी भय। उस बेटा से बेटी हजार गुना अच्छी है जो धर्म के रास्ते पर चल रही है। आज धुंधकारी प्रेत बना। गोकर्ण जी ने समस्त तीर्थों में उसके लिए पिंडदान किया। अब एक प्रश्न उठता है कि जब गोकर्ण जी महाराज समस्त तीर्थों में पिंडदान कर रहे थे तो फिर गोकर्ण धुंधकारी को प्रेतत्व से मुक्ति क्यों नहीं मिली? गोकर्ण जी महाराज समझते थे कि धुंधकारी मेरा सहोदर भाई है तो गोत्र नाम लेकर के पिंडदान करते थे, लेकिन उस गोत्र का तो था ही नहीं। चिट्ठी कितना अच्छी हो यदि पता गड़बड़ हो तो चिट्ठी पहुंचेगी। धुंधकारी प्रेत बना गोकर्ण जी घर आए। रात में एक दिन धुंधकारी उग्र रूप में उपस्थित हुआ। कभी हाथी कभी भैंसा कभी आग कभी भेड़ा। तीन तत्व का प्रेत का शरीर होता है, अग्नि तत्व वायु तत्व आकाश तत्व। तीन तत्व डामर तंत्र में इसकी चर्चा है। बोल नहीं पा रहा था तब उन्होंने उसके ऊपर जल अभिसिंचन किया और जब ही उन्होंने जल उसके ऊपर फेंका तदंजलो जलम कृत्वा गोकर्ण जी ने जलांजलि दी। बोल पड़ा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नाम
स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नास्य तुम्। मैं आपका भाई धुंधकारी, अपने पाप से प्रेत बना, कोई उपाय करो। बोले हम तुम्हारे लिए तो गया, मैं श्राद्ध कर दिए। ये बात देखिए, यही प्रमाण है, यही प्रमाण है कि गया से आकर के भागवत सुनना चाहिए। मैंने गया में श्राद्ध किया, फिर भी तू प्रेत बन गया। का गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। सौ बार गया करके आओगे, सौ बार गया करोगे, मेरी मुक्ति नहीं होगी। उपाय कोई दूसरा उपाय विचार करो। तब उन्होंने गांव वालों से पूछा। गांव वाले बोले, भैया रात में कैसे रुक गए? धुंधकारी तो उग्र प्रेत बन गया है। तब भगवान सूर्य से उन्होंने पूछा। सूर्य भगवान ने कहा कि इनके लिए आप श्रीमद् भागवत की कथा करो। तब श्रीमद् भागवत का उन्होंने आयोजन किया और श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु। धुंधकारी बांस के अंदर प्रवेश कर गया। बांस का मतलब यह है कि या तो बांस का जंगल रहा होगा, दूसरी बात यह कि दुनिया का कोई कितना हो धनवान व्यक्ति हो, जब मरता है तो बांस पर ही चढ़ कर जाता है। तीसरी बात यह है कि बांस में गांठ होती है और जब तक गांठ नहीं फटेगी तब तक मुक्ति नहीं होने वाली है। हमारे यहाँ गांठ है और वो गांठ क्या है? बांस में बासना की गांठ होती है, सात गांठ। और ये सात गांठ जो हमारी आसक्ति है, यही गांठ है। पहली आसक्ति नारी की, ये भी एक गांठ है। दूसरी आसक्ति पुत्र की, तीसरी व्यवसाय की, चौथी पैसे की, पांचवी परिवार की, छठवीं घर की और सातवीं गांव और नगर। ये सात जो आसक्तियां हैं ना, यही आसक्ति की गांठ है। गोस्वामी जी कहते हैं, छोरत ग्रंथ पाव जो सोई तब यह जीव कृतार्थ होई। सात दिन कथा हुई, धुंधकारी बेचारा बांस में घुसा हुआ था, सात गांठ का बांस फटा और धुंधकारी सुंदर स्वरूप धारण करके प्रकट हो गया, पीला वस्त्र धारण करके प्रकट हुआ। धुंधकारी स्वयं गोकर्ण को उपदेश किया, भैया ये शरीर नाशवान है, इसका कोई भरोसा नहीं है। अस्थि स्तंभम स्नायु मद्धम मांस शोणित लेपितम चर्मावलम्बनम दुर्गम पात्रम मत्र पुरीशयो। ये शरीर डस्टबिन है, ऐसा उपदेश करने लगा। विमान आया, विमान जब आया तब गोकर्ण जी ने पूछा, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारः निर्मला। यहाँ तो बहुत से लोग श्रोता थे, लेकिन विमान इनके लिए क्यों आया? तब भगवान के दासों ने कहा कि अद्यनम जहतम ज्ञानम प्रमादेन हतम सुतम संदिग्धो हतो मंत्रो व्यग्र चिंतो हतो जपः। महाराज जो ज्ञान दृढ़ नहीं है, प्रमाद में सुना हुआ श्रुति और संदिग्ध मंत्र और व्यग्र चित्र में किया हुआ जप है ना, जल्दी जल्दी में। अब गायत्री मंत्र का एक माला करने में कम से कम पांच मिनट लगता है, साढ़े चार मिनट, और कोई डेढ़ ही मिनट में माला फिर उस जब का महत्व नहीं मिलता। तब क्या करें महाराज, दोबारा करना पड़ेगा भागवत। फिर दोबारा भागवत का आयोजन किया। श्रावण मासी गोकर्ण कथा था, पुनः श्रावण के महीने में आयोजन किया। उस कथा के परिणाम से पूरा विमान आया। अयोध्या वासिनः सर्वे यथा रामेण संगताः यथा अयोध्या वासिनः पूर्वम्। जैसे अयोध्या वासी भगवान राम के साथ गए, वैसे ही सभी ग्राम वासियों को श्री गोकर्ण जी महाराज विमान के साथ लेकर चले।